अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। अच्छा, इस ट्यूटोरियल के अंदर और इस लेक्चर के अंदर ये सीखेंगे कि हमारा जो दराज का जो हमारा सेलर सेंटर का डैशबोर्ड है उसको हम कम्प्लीटली एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो ये जो सेलर सेंटर है ये आपका साइन अप करने के बाद, आपका अकाउंट रजिस्टर करने के बाद आपके पास ये वाला इस तरह का एक डैशबोर्ड शो होता है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर हम इसको जो है ना वन बाय वन डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट्स को, ऑर्डर्स को, मार्केटिंग को, डाटा इनसाइट को, लर्न एंड ग्रो को, स्टोर को, फाइनेंस को, सपोर्ट को, माय अकाउंट को। ठीक है, ई स्टेप को हम जो है ना वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा एक वेलकम डैशबोर्ड यहाँ पे शो होता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स कितने हैं, जबकि अभी मेरे पास अभी जीरो पेंडिंग ऑर्डर आ रहा है, और अनपेड ऑर्डर, अगर मेरे पास कोई ऑर्डर पेंडिंग होगा तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑर्डर्स के टैब पे ले जाएगा। जो ऑर्डर मेरे पास पेंडिंग शो हो रहे होंगे वो यहाँ पे शो कर देगा, टू शिफ्ट के अंदर, टू शिफ्ट के टैब के अंदर यहाँ पे ऑर्डर शो हो जाएगा। ठीक है, अभी ये कम्प्लीटली हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, लेकिन अभी मैं आपको वेलकम जो हमारा डैशबोर्ड है उसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे स्टोर नेम शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है सॉरी, अगर जो भी कोई दराज की तरफ से आते हैं या हमारे कस्टमर की तरफ से आते हैं तो यहाँ पे हमें जो है ना वो अलर्ट शो हो रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑर्डर्स का जो है ना वो सारा स्टेटस शो हो रहा था कि अनपेड ऑर्डर्स हैं जो अभी तक कस्टमर ने ऑर्डर के पैसे पे नहीं किए लेकिन वो ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, और कुछ ऑर्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल 10 ऑर्डर्स हैं जो ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं लेकिन वो भी रिव्यू आने वाले हैं। ठीक है, वो आप यहाँ से उस पर देख सकते हैं कि कितने ऑर्डर मेरे जिनका भी रिव्यू बाकी रहता है। यहाँ से आप क्लेम सबमिट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपका ऑर्डर पहुँचा है आपके कस्टमर के पास। ठीक है, और कस्टमर ने आपको रिटर्न किया और आपको ऑर्डर अभी तक रिसीव नहीं हुआ, आप यहाँ पर उसका क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, या आपको कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को इशू फेस करना पड़ता है तो आप दराज के अंदर एक ऑप्शन है कि आप उनके साथ क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो ऑर्डर्स के हवाले से हमारे क्लेम है वो सारे हम जो है डिटेल में बाद में एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ शॉर्ट सा इंटरव्यू दूंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा। अब इसके अंदर आ जाती है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, दराज ने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि उसको मेंटेन करना होता है हमने कि हमारा अकाउंट जो है वो बैन ना हो। ठीक है, और अगर उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है जो आपको आपके अकाउंट को बैन कर सकती है या रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या टेम्परेरीली उसको डिसेबल कर सकती है तो वो यहाँ पर आपके पास होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास पेनल्टीज़ हैं कि जो मैं 3 पेनल्टीज़ को अपील कर सकता हूँ। ठीक है, जो दराज ने मुझे कोई पेनल्टीज डाली है उनको मैं यहाँ पे अपील कर सकता हूँ। कोई लेट शिपमेंट हो सकती है या कोई और किसी भी तरह की वजह हो सकती है प्रोडक्ट के हवाले से, वो दराज उसकी पेनल्टीज उसने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपके ऑर्डर को वॉल्यूम शो होता है। ठीक है, लिखा है कि 20 पर डे जो है ना ऑर्डर मैं रिसीव कर सकता हूँ इस मेरी शॉप के ऊपर, इस मेरे सेलर सेंटर के ऊपर। और जब जब आपका स्टोर मेच्योर होता जाएगा आपकी ऑर्डर लिमिट बढ़ती जाएंगी। ये मेरा एक न्यू टाइप का स्टोर है जिसके ऊपर सिर्फ 20 ऑर्डर्स की पर डे की लिमिट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक टैब दिया हुआ है दराज यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आप अपने दराज के हवाले से किसी भी किस्म की आपको कोई समझ नहीं आ रही आप वह यहाँ पे सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, आपको प्रोडक्ट और मैनेजमेंट की समझ नहीं आ रही, आपको प्रोडक्ट हैंडलिंग की समझ नहीं आ रही, आपको जो है ना वो फाइनेंस की समझ नहीं आ रही, किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आती तो आप इसकी दराज की यूनिवर्सिटी को जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दराज ने न्यू जो है ना वो हमारे पास इशू की है जिसके अंदर ये मार्केटिंग पोजीशन है, रेगुलर वर्कर है, फ्री शिपिंग है, एजुकेशन लाइव स्टार है। ठीक है, लाइव आप आ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने टैब की तरफ। सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट्स के टैब में आते हैं। यहाँ पे हमें मैनेज प्रोडक्ट्स की ऑप्शन मिलती है, ऐड प्रोडक्ट्स की ऑप्शन मिलती है, मीडिया सेंटर की ऑप्शन मिलती है, फुलफिलमेंट मेथड्स की ऑप्शन मिलती है, उसके बाद ब्रांड मैनेजमेंट की ऑप्शन मिलती है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मैनेज प्रोडक्ट्स को। ठीक है, यहाँ पे इस टैब के अंदर हमारी तमाम प्रोडक्ट्स जो है ना वो शो होंगी कि जो हमारे स्टोर में लाइव चल रही हैं या इनएक्टिव हैं या ड्राफ्ट हैं या कोई किसी के लिए गई हुई हैं या कोई वायलेशन कर रही हैं।
अब उसके ऊपर में मेरे पास 136 प्रोडक्ट्स जो है ना वो एक्टिव शो हो रही है, देखते हैं ये सारी एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद इनएक्टिव के टैब के अंदर है कि मैंने जो दो प्रोडक्ट्स को मैंने ऑफ किया हुआ है जो किसी भी कस्टमर को शो नहीं हो सकती, वो मैंने यहाँ से इसको इनएक्टिव किया हुआ एक्टिव टैब को। ड्राफ्ट के अंदर वो होती है कि जो आप एक प्रोडक्ट ऐड कर रहे थे और आपने उसको कम्प्लीट ऐड नहीं किया, उसको आपने कहीं भी दरमियान में छोड़ दिया है, तो वो आपकी प्रोडक्ट ड्राफ्ट में चली जाती है। यहाँ से इसको आप एडिट करके प्रोडक्ट को आप दोबारा बैंक कर सकते हैं। जब आप एक प्रोडक्ट कोई भी न्यू ऐड करते हैं तो वो सबसे पहले पेंडिंग के उसी के पास आती है, अगर दराज वाले इस प्रोडक्ट को जो है ना अपलोड करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपकी प्रोडक्ट लाइव होती है। देखिए ये मैंने 17 प्रोडक्ट ऐसी हैं जो दराज वालों ने क्यू सी वालों ने मेरी जो है ना अप्रूव नहीं की, फॉर एग्जाम्पल ये देखा क्यू सी रिजेक्टेड, ठीक है। उसी का एक डिपार्टमेंट है क्वालिटी इंश्योरेंस के हवाले से, क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से, जो कि देखता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना दराज पे बिक सकती है या नहीं बिक सकती है, या किसी भी तरह की कोई इशू होता है तो वो रिजेक्ट कर देंगे। अब ये वाली मेरी 17 प्रोडक्ट्स हैं जो इन्होंने मेरी लॉक कर दी है, रिजेक्ट कर दी है। और डिलीटेड प्रोडक्ट्स हैं कि जो आप प्रोडक्ट कोई भी डिलीट कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रोडक्ट को ड्राफ्ट के अंदर से डिलीट कर देता हूँ तो ये मेरी डिलीट प्रोडक्ट के अंदर शो डमिंग का कोई इशू है जिसकी वजह से यहाँ पे डिलीट प्रोडक्ट के टाइप में शो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स वाला हो डिलीट प्रोडक्ट के टाइप में शो हो रही। अब आ जाते हैं हम ऐड न्यू प्रोडक्ट हम किस तरह करेंगे, ये प्रोडक्ट का डाटा यहाँ पर हम किस तरह ऐड करेंगे। आप यहाँ से भी ऐड न्यू प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये भी एक टाइप है ऐड प्रोडक्ट का। आप ऐड प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नेम एंटर करेंगे, प्रोडक्ट की कैटेगरी और जो भी आगे फील्ड वाइज ऐसा बताता जाएगा, आप सेलेक्ट करते जाएंगे। तो एट द एंड जो है ना वो आप यहाँ से कंफर्म कर देंगे, उसके अंदर आपके प्रोडक्ट्स की फोटोज फीचर डिस्क्रिप्शन ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये हम डिटेल में इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम जनरल इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट मीडिया सेंटर पे आ जाते हैं। मीडिया सेंटर हमारे पास ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट की तमाम इमेजेस जो है वो सेव होती हैं, जो कि आप नेक्स्ट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फुलफिलमेंट बाय दराज, ये हमारे पास एक ऐसा टैब है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को शिप करवाते हैं दराज के वेयर हाउस में। फॉर एग्जाम्पल दराज के पास दो मॉडल हैं, एक है ड्रॉप शिपिंग, मीन के आप उसके स्टोर पर जाके जब आपको ऑर्डर आएगा तो आप यहाँ तो दराज को जो है ना उसके वेयर हाउस पर शिफ्ट करके आएंगे, नहीं तो आप जो है ना दराज की पिकअप सर्विस पहले जाती है उन्होंने ऑफ कर दी है। लेकिन ये है कि अभी इस वक्त जो चल रहा है कि जब जो भी आपको ऑर्डर आता है आप उसको पैक करते हैं और आप उसको दराज की हब्स के ऊपर शिफ्ट करवा करते हैं। लेकिन फुलफिलमेंट बाय दराज के अंदर जो है ना ये किस तरह का मॉडल है जिसके अंदर आपको अपनी प्रोडक्ट सारी शिप करवानी पड़ती हैं पहले दराज के फुलफिलमेंट सेंटर पे, जो इन्होंने डिफरेंट सेंटर बनाया हुआ है। तो जो भी ऑर्डर आता है तो आपका जो फुलफिलमेंट सेंटर वाले जो वहाँ पे लोग हैं वो आपका आपकी प्रोडक्ट पकड़ेंगे और आपके कस्टमर को शिप कर देंगे, जिसके अंदर आपको ना तो प्रोडक्ट पैक करनी पड़ती है ना आपको प्रोडक्ट जो है वो शिप जाके करवानी पड़ती है दराज की हब पे। ये ऑटोमेटिकली सिर्फ आपको पहले इनके दराज हब्स के अंदर दराज वेयर हाउस के अंदर अपनी प्रोडक्ट सारी टोटल भेज देनी आती है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर्स को जो है ना वो हैंडल करते रहते हैं। लेकिन हम अभी बात करेंगे सिर्फ दराज ड्रॉप शिपिंग मेन के आप प्रोडक्ट्स अपनी जो है ना वो खुद जाके दराज के हब्स के ऊपर शिप करवा के आया करेंगे। ब्रांड मैनेजमेंट ये है कि आपका कोई भी ब्रांड है तो उसके ऊपर आपकी जो ब्रांड की डिटेल है, रिलेशन है, कैटेगरी है, स्टेटस ऑथराइजेशन डेट, आप अगर आपने अपना कोई ब्रांड बनाना है सबसे पहले आप यहाँ से अप्लाई करेंगे ब्रांड के लिए और उसकी एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है जो आपको सारी कंप्लीट करनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ सारा ओवरव्यू लेंगे इस डैशबोर्ड का, उसके बाद सारे वन बाय वन टैब्स के हम डिफरेंट जो है ना वो लेक्चर्स के अंदर डिटेल में सारी आपको चीज़ें सिखाएंगे। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप कॉल पर क्लिक करते हैं तो इसमें आपके तमाम ऑर्डर आ जाते हैं जो कि अनपेड हैं, शिप हैं, शिप डिलीवर्ड हैं, पेड डिलीवरी हैं, कोई भी आपका ऑर्डर सारे
अनपेड ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स होते हैं जिसमें आपको कस्टमर ने ऑर्डर अभी प्लेस नहीं किया, वो आपको अभी इसकी पेमेंट की जो है ना वो रहती है, ठीक है। जो भी वो इसकी पेमेंट कर देगा उसका ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा, जब ऑर्डर कन्फर्म कर देगा वो टू शिफ्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। जब आप उसको टू पैक यहाँ से उसको जब आप पैक कर लेंगे तो अरेंज शिपमेंट पर आ जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट ऐप के ऊपर आप उसको जब पकड़ाएँगे वहाँ पर हैंड ओवर में चला जाएगा, तो आप उसको जाके पकड़ाएँगे वहाँ पर उसकी दराज साहब के ऊपर, ठीक है। तो आप जब ही आपकी वहाँ पर स्कैन हो जाएगा ऑर्डर, तो आपका ऑर्डर यहाँ पर शिपिंग में शेयर हो जाएगा, और जब आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा तो यहाँ पर डिलीवर के टैब में शो हो जाएगा ये सारे डिलीवर्ड ऑर्डर हैं जो भी कस्टमर को डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और फिर डिलीवरी ऑर्डर वो ऑर्डर हैं जो कि हमारे कस्टमर के घर तक गए हैं और कस्टमर ने रिसीव नहीं किया, या कस्टमर घर पर नहीं था, या कोई भी रीज़न ऑर्डर डिलीवर नहीं होता, तो ये ऑर्डर हमें वापस सेलर को रिसीव हो जाते हैं, फिर ये फिर डिलीवरी के टाइम में शो होते हैं। आगे कैंसिलेशन प्रोसेस जो है वो ऐसा है कि दराज का टाइम है कि आप टू डेज के अंदर उसके प्रोडक्ट को हैंडल करें, उसके दराज साहब के ऊपर हैंड ओवर करके हैं। अगर आप नहीं करते तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, या किसी की वजह से कस्टमर कैंसिल कर देता है तो ऑर्डर कैंसिल के टाइम शो होगा। रिटर्न और रिफंड हमारे पास ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे हमारे जो ऑर्डर हैं, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर के पास ऑर्डर गया वो 7 days तक अपने पास प्रोडक्ट को रखता है, और विदिन 7 days वो इसका क्लेम जो है ना वो रिटर्न जो है ना वो ले सकता है किसी भी जो है ना वो रीज़न की वजह से, ठीक है। हम इसको रिफंड ओनली भी कर सकते हैं, और ये जो रिटर्न जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सारी हमें यहाँ पे इस टैब के अंदर शो होंगे, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट है जो कि अभी मेरी रिटर्न आ रही है। रिव्यूज़ के टैब में अंदर है हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास रिव्यू शो होते हैं, ठीक है। इतने हमारे पास कस्टमर हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं। ये हमारे पास एक रिव्यू है जो कि अभी मुझे इसका रिप्लाई करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे रिव्यू देख सकते हैं कि कितने आ जाए और कितने रिप्लाई हैं। हमारे पास 67% जो है ना वो हमारी पॉजिटिव रेटिंग है, कलर रेटिंग 7 की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे रिव्यू हमारे पास शो हो रहे हैं, ठीक है। ये कस्टमर रिव्यू देते हैं आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट। उसके बाद एक मार्केटिंग का टूल है जो कि दराज ने न्यूली अभी इसमें इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी कंपेन जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, और पेड कंपेन होती हैं, इसके लिए आपको दराज को पे करना होता है, ठीक है। यहाँ पे सारा कंपेन का डाटा शो होगा, उसके बाद कंपेन और कुछ करेंगे जो आपकी पुरानी कंपेन जो पहले दराज चला रहा था वो यहाँ पर सारी शो होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दराज की अपनी कंपेन थी जो कॉस्ट थी वो पेड कंपेन नहीं थी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि दराज की फ्लैश कंपेन, पहले दराज का ये वाला व्यू था कंपेन का जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते थे, कोई आज़ादी की कंपेन आ जाती थी, कोई 14 अगस्त की आ जाती थी, कोई जो है ना वो न्यू ईयर की आ जाती थी, किसी तरह की भी कंपेन थी वो यहाँ पर सारी शो होती थी। अभी ये हमारे पास कोई ओल्ड कंपेन शो नहीं हो रही, ठीक है। तो न्यू कंपेन का डैशबोर्ड उन्होंने ये बनाया हुआ है बोर्ड के, अब दराज फ्लैश जो है ना वो यहाँ पे शो होती हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल के अंदर। दराज फ्लैश को फ्री शिपिंग का जो हमारे पास कंपेन थी वो भी इस तरह शो होती थी यहाँ पे, ठीक है। अभी भी आप कर सकते हैं फ्री शिपिंग को, लेकिन पहले इनकी ऑटोमेटिकली जो है ना वो फ्री शिपिंग की कंपेन आया करती थी। अब बंडल्स के अंदर जो है ना वो आप बंडल्स बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोडक्ट है वो कहते हैं कि अगर आप 12 pieces खरीदते हैं तो उसके साथ आपको 2 pieces फ्री मिलेंगे, ये एक बंडल क्रिएट है। आप अपना बंडल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। प्रमोशन हैं हमारे पास, प्रमोशन का टैब है जिसको फिर आप देख सकते हैं कि आपके रेगुलर वाउचर, आपके जो जितने भी आपके फ्री शिपिंग की जो भी आपने चीज़ें लोगों को असाइन की हैं उसके हवाले से आपका डाटा रिजल्ट जो है ना वो इसमें क्या आ रहा है। ये भी दराज का एक न्यू प्रोग्राम है, ये इसकी ऑटोमेटिकली ये आ गई है हमारे पास। ये इस तरह इनकी पहले फ्री शिपिंग आया करती थी जो कि इन्होंने फिर दोबारा से ये शो करवाई है। आप अपनी भी फ्री शिपिंग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये इनकी जो है ना ये एक ऑटोमेटिक कंपेन है जिसको आप ज्वाइन करते हैं, उसके अंदर आप फ्री शिपिंग करते हैं। उसके बाद दराज के प्रोग्राम सब डिस्कस कर लेते हैं। उसके ऊपर कैशबैक प्रोग्राम है,
उसको जिसके अंदर आप लोगों को कैशबैक दे सकते हैं, जो वो आपको अगर आपकी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप उनको जो है ना वो आपको 50% जो है ना वो डिस्काउंट दे रहे हैं, या कोई भी किसी भी तरह की आप उनको डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री डिलीवरी में दे रहे हैं, तो वो जो सारा आपका समरी है जो डाटा वो यहाँ पे शॉप है। और जो पेड कंपेन जो मैंने आपको पहले बताया था वो इस टैब में शो होती है, वहाँ पे उसकी ऑटोमेटिक कंपेन शो होती है। ठीक है, ये अभी दराज ने न्यूली फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप अपने पेड कंपेन यहाँ से चला सकते हैं। ये हम फर्दर अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल में शो करना देखेंगे, लेकिन अभी हम इसका सिर्फ ओवरव्यू दे देते हैं। प्रोडक्ट एड्स ये भी वही है, इसकी प्रोडक्ट के एड्स हम चला सकते हैं। दराज कॉइन डिस्काउंट, ये भी दराज ने अपना कोई न्यू फीचर जो है ना वो ऐड किया है। ठीक है, उसके ऊपर आप पॉइंट्स के बेस के ऊपर अपने जो है ना वो कस्टमर को दे सकते हैं प्रोडक्ट की जो है ना वो डिस्काउंट। तो ये भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, इसको अभी हम इसका ऑर्डर भी ले लेते हैं। दराज लाइकों के लिए कि आप अपनी शॉप पे लाइव आ सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को जो है ना ये लाइव आके अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, प्रोडक्ट को जो है ना वो सेल कर सकते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ले सकते हैं। प्राइस स्लैश ये भी दराज का एक न्यू फीचर है, इसको देख लेते हैं। नेट स्लो चलता है जिसकी वजह से आपको ये यूज करना पड़ रहा है। तो ये आपको जो इंट्रोड्यूस करवाने का ये सेलर डैशबोर्ड सारा दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। ठीक है, ये प्राइस स्लैश ये जो है ना आपकी जो उसकी एड आप रन करेंगे और जो भी आप स्पेंड कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस हमारी यहाँ पे आपको बात कर दूँगी। ठीक है, अब डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। डेटा इनसाइट के अंदर हमारे पास ऐसा है कि जब भी हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं या हमारी प्रोडक्ट सेल हो रही है, कितने लोग हमारे क्लिक कर रहे हैं, कन्वर्जन रेट क्या है, कितना हमने जो है ना व्यू क्रिएट किया है, और पर पेज व्यूज हमारे यहाँ पे 41 आ रहे हैं। ठीक है, टोटल विजिटर्स हमारे स्टॉक पर 26 आए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें आप, ये जो ब्लू लाइन है ये विजिटर को शो कर रही है और ये रेवेन्यू हमारे पास शो कर रही है। ये हमारे स्टॉक अभी इतना बुकिंग नहीं है जब इसको हम करने के लिए जो है ना वो डिस्कस करें। अकाउंट हेल्थ अकाउंट ऐप में आ जाते हैं, अभी वो कह रहे हैं कि आपको नीड टू इम्प्रूव है, आपको अपने अकाउंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि आपको टोटल 3 पेनल्टीज जो है ना वो आप अपील कर सकते हैं, आपको टोटल 8 पेनल्टीज भी ऐड की है सिर्फ ऑर्डर जो है ना वो पर ड्यू डेट की वजह से। ठीक है, वो आने दे रहे हैं। अकाउंट हेल्थ के बारे में आपको ये अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि हम उसको यूज नहीं कर रहे थे इस अकाउंट को, इसकी वजह से हमारा ये अकाउंट देखें हमने उन्होंने पेनल्टीज भी ऐड की है और हमारे अकाउंट की हेल्थ भी जो है ना वो शो हो रही है। इसलिए आपको डेली बेसिस के ऊपर अपने अकाउंट की हेल्थ को जाना जरूर चेक करते रहना है और कम से कम वीक में एक दफ़ा तो जरूर आपको चेक करना है उनकी हेल्थ। तो अभी हम इसको इम्प्रूव करेंगे अपने इस अकाउंट को। लर्न एंड ग्रो के अंदर आप दराज यूनिवर्सिटी है और हमारे पास सेलर चैनल है। दराज यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास लैपटॉप होते हैं जो कि हमारे किस तरह हम अपने अकाउंट और प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकते हैं, किस तरह हम फोटोग्राफी कर सकते हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट को देख सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑर्डर फुलफिलमेंट सेल को कैसे बना सकते हैं, फाइनेंस के बारे में या आपके ऑपरेशन गाइडलाइन बनाना होती है आप देख सकते हैं यहाँ पे। न्यू सेलर चैलेंजिंग में आ जाते हैं, ये बता रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरह का अगर आपको कोई चैलेंज यहाँ पे फेस करना पड़ता है तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलर के क्या क्या रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, क्या क्या चैलेंज है। ठीक है, बाकी हम इसको देखते हैं नेक्स्ट अपने टैब को। नेक्स्ट हमारे पास जो टैब है वो है स्टोर डेकोरेशन का, स्टोर का जिसके अंदर हम अपने स्टोर को डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, व्हील अपेयर कर सकते हैं कि हमारा स्टोर मोबाइल पे कैसे नज़र आएगा, वेब पे कैसे नज़र आएगा। ठीक है, अभी हमारे स्टोर की जो डेकोरेशन है वो इस तरह की नज़र आ रही है, मोबाइल व्यू के ऊपर ये इस तरह का दिखाई नज़र देगा। ठीक है, इस तरह का नज़र आएगा आपको।
अगर हम इसको वेब पे देखते हैं तो हम इसको जो है ना वो इस तरह देख सकते हैं, ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे या लैपटॉप पे या टैबलेट पे वो इस तरह नज़र आएगा। तो इसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, ठीक है, अपना ईच पेज जो है ना वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट की ग्रेड्स, अपने स्लाइडर, प्रोडक्ट्स को किस तरह जो है ना वो यहाँ पे वन बाय वन शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको न्यू वर्जन भी इस पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट टैब को डिस्कस कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। स्टोर सेटिंग्स, स्टोर सेटिंग में आप अपना लोगो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, स्टोर का नेम आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, स्टोर का यूआरएल आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ये स्टोर की सेटिंग है जो आपकी स्टोर प्रोफाइल भी इसे कहते हैं, हम इसको स्टोर सेटिंग में भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आया था जी फाइनेंस का टैब, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है। हम देखते हैं माई इनकम के टैब को, ठीक है, इसके ऊपर हमारी तमाम वो इनकम शो होती है जो कि हमारे ऑर्डर जो है ना वो डिलीवर हुए होंगे, या ऑर्डर हमारे पेंडिंग में होंगे, या ऑर्डर हमारे जो है ना वो डिलीवरी फेल्ड होंगे। ये मंथली और इसका जो दराज का एक साइकिल होता है 15 डेज़ का, अभी उन्होंने इसको कम करके कोई 8 डेज़ पे कर दिया, तो लेकिन ये इसके ऊपर सारी डिटेल्स शो होती हैं, ठीक है। ये अभी टू रिलीज 1000 रुपीज़ वो उनके पे करने वाले हैं। इनकम स्टेटमेंट हमारे पास ये शो हो रही है, ये हमारे पास पर स्टेटमेंट नंबर आ रही हैं, ठीक है। ये उन्होंने कहा इस स्टेटमेंट जो है ना वो शो हो रही है इस मंथ की, ठीक है, ये अगस्त की है, ये भी अगस्त की है, 5 अगस्त से 11 अगस्त तक, ठीक है। ये और ये अभी उन्होंने इसको कर दिया सारा 8 डेज पे, ठीक है। तो ये पूरे मंथ की जो भी स्टेटमेंट के बारे में आप देखना चाहें वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इनकम डिटेल्स यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट, रेवेन्यू, डिडक्शन वगैरह शो हो जाती हैं। सेलर फाइनेंस, ये अभी इसके लिए जो है ना उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं शो की, ठीक है। ये नेक्स्ट दराज इसको एक नया फीचर लेके आ रहा है कि अपने सेलर को जो है ना वो लोन भी प्रोवाइड करेगा। सपोर्ट के बारे में आ जाते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप इसको हेल्प सेंटर पे क्लिक करके यहाँ पे आप आके अपने देख सकते हैं कि अगर आपको पासवर्ड रीसेट करना है, प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, कोई भी तरह का इशू है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इनके साथ यहाँ पे लाइव चैट भी कर सकते हैं, ठीक है, इनके लाइव चैट एजेंट अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो या आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। ये अभी इस तरह अगर हम यहाँ पर उनको मैसेज करेंगे तो हमारे पास वो एजेंट आ जाएगा। ये 24/8 होते हैं डेली, 9 to 5 ही होते हैं अवेलेबल, मंडे से फ्राइडे तक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास माय अकाउंट में जो हमारी सेटिंग्स हैं, आप अपने अकाउंट की सेटिंग कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाहते हैं, फाइनेंस की कोई इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट या कमीशन वगैरह चेक करना चाहते हैं, ठीक है, लॉजिस्टिक के बारे में देखना चाहते हैं। यूज़र मैनेजमेंट, ये एक ऐसा टैब है जिसमें आप अपने डिफरेंट एम्प्लॉइज़ को, अपने डिफरेंट यूज़र्स को एक्सेस दे सकते हैं कि वो प्रोडक्ट को मैनेज करें, या एक आपका एम्प्लॉई है जो सिर्फ ऑर्डर्स को मैनेज करे, और एक एम्प्लॉई है सिर्फ जो आपका आपके कैटलॉग को मैनेज करे। ये आप डिफरेंट यूज़र्स को एक्सेस दे सकते हैं, ये और उनके आप रोल्स भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप उसको सेलर को फुल एक्सेस देना चाहते हैं, ठीक है, जो आपका एम्प्लॉई है, या कैटलॉग की, ऑर्डर की, या प्रोडक्ट एक्सेस की, ये आपके पास एक्सेस है। आप इसको देख सकते हैं कि आप अपने यूज़र्स को कौन सी एक्सेस दे सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल हो वो आप अपने एम्प्लॉई को दे दें। अकाउंट सेटिंग में आ जाए, यहाँ पे आपको आपके अकाउंट के बारे में आपके डाटा शो होता है सारा, ठीक है। उसके बाद चैट सेटिंग में है कि जो आपके कस्टमर आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में आप यहाँ पे उसकी जितनी भी सेटिंग है वो इस टैब के अंदर करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितनी भी डिटेल वीडियोज़ होंगी नेक्स्ट आप उनको देख करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।